हेलो बच्चों, जय भारत। तो आज हम डे नंबर 39 में बात करने वाले हैं केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट सेशन की। आज अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों 3000 सीरीज में, और हम जो बाकी बचे कुछ जो क्वेश्चंस और स्पेशली केटीजी के क्वेश्चंस उस पर हम फोकस करेंगे। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, और मुझे भरोसा है कि आप कई सारी ऐसी चीजें देखेंगे जो आपको शायद पहली बार पता चली होगी, या फिर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड है लेकिन पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे जिनका सॉल्यूशन देना सबने स्किप किया है, सीधा आंसर टिक किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम आज यहाँ पे अपने सेशन में देखने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठना है बच्चों हम सबको, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से भी उसका रिवीजन होगा, ये भी गारंटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। उसका जो ट्रेंड एनालिसिस है, वेटेज है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगले दो सेशन में। अगर यहां से कोई स्टूडेंट पहली बार ये सेशन देख रहा है 39 नंबर का, तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी के अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और 37, 38 ये दो सेशन पहले कंप्लीट कीजिए, तभी आपको इस सेशन में मजा आने वाला है, क्योंकि वो सारे सेशन लिंक्ड है, कंटिन्यूस है। तो देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, तो मैं उसका सॉल्यूशन करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे बच्चों हमें कुछ दिया गया है कि वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर 250 के है, एज्यूमिंग दैट 25% ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएट कॉजिंग अ चेंज इन नंबर ऑफ मोल। मतलब मानो टोटल 100 मोल्स है, तो उसमें से 25 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं और जो डायएटॉमिक था वो टूट के मोनोएटॉमिक बन जाता है। द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग गैस एट अ टेम्परेचर 2000 के व्हेन द कंटेंट वॉल्यूम 2V1 इज P2। तो P1 P2 का मुझे रेशियो ढूंढना है। ध्यान से देखेंगे करना क्या है। अपने पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहली कंडीशन वो है बच्चों P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम, N1 मोल, R और टेम्परेचर है उसका दे रखा है बच्चों यहां पे 250। यह अपना पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जब उसमें से 25% जितने मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं तो प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम बोला है 2V1। अब नए मोल कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखना, N1 मोल में से 0.25 मोल टूट के 0.50 बन गए और बाकी के 0.75 तो एज इट इज है, यानी टोटल ये कितने मोल्स हो गए, अब 1.25 N1 हो गया। R और टेम्परेचर कितना बोला है बच्चों, 2000 बोला है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो N1R जा रहा है, P1 V1 जा रहा है, ये बचा 1/2 बराबर 250 अपॉन 125 इंटू 2000। ठीक है, तो दो जाएगा तो यहां से 1000 बचेगा, 1.25 को 1000 से डिवाइड करेंगे और यहां पे सॉरी P1 P2 तो मुझे ढूंढना है, तो यहां पे P1 P2 आएगा, तो P1 by P2 कितना होने वाला है यहां पे, तो 250 अपॉन 1250, यानी ये हो गया 1/5। मुझे पूछा है P2 by P1, तो उसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से, और सिंपल बस डिसोसिएशन कैसे होता है, आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, रिश्ते ढूंढना है, बड़ी आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी सॉरी, तो इसको वापस मैं ट्राई करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई करना है आपको ये चीज। तो यहां पे बच्चों हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। चेंज इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस व्हेन अ स्मॉल प्रेशर डेल्टा पी अप्लाइड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले लैंग्वेज समझते हैं, ध्यान से देखना। पहली प्रोसेस है टी कांस्टेंट का मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी बराबर जीरो। मैंने दोनों से डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट को मैंने डीपी की जगह डेल्टा पी, डीवी की जगह डेल्टा वी लिखा है। तो मुझे बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो यहां से मुझे डेल्टा वी क्या मिलने वाला है, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन पी। ये हो गया पहले का चेंज इन मैग्नीट्यूड। दूसरे की बात करते हैं, इज द सेम एज, तो जो पहले कंडीशन का डेल्टा वी है वो सेम एज दूसरी कंडीशन, व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस बाय स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा टी एट द कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी कंडीशन है पी कांस्टेंट में हम लिख सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी में, अगर पी कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी। तो यहां से बच्चों डेल्टा वी क्या मिलने वाला है, वो होगा एन आर डेल्टा टी बाई पी,
और ये दोनों डेल्टा वी सेम है मैग्नीट्यूड में, तो यहां से माइनस हटा देंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं तो V डेल्टा P बाई P बराबर एन आर डेल्टा T बाई P, P P को जाने देते हैं, तो मुझे पूछा है डेल्टा P बराबर एन आर बाई V डेल्टा T। एन आर बाई V क्या होता है, एन आर बाई V होने वाला है बच्चों एन आर बाई V होगा P बाई T, तो यहां से मैं लिखूंगा P बाई T डेल्टा V बराबर डेल्टा P, तो P बाई T करते हैं, मुझे P और T का वैल्यू दिया हुआ है देखो यहां पे 2/300, ठीक है ना, प्रेशर 2 डेल्टा टी 3, तो 2/300 बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों डेल्टा वी बराबर 150 डेल्टा पी, तो मेरा आंसर यहां से आने वाला है 150, ये कितना होने वाला है 150 है। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन में भी गड़बड़ होने के चांसेस बन सकते हैं, तो मैं ऐसा रखता हूं आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। यहां पे दिया क्या है बच्चों कि किसी आर डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल की डेंसिटी है एन नॉट ई रेस टू माइनस अल्फा आर टू दी पावर 4, इतना किसी आर डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल का डेंसिटी है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है वो मुझे पता करना है। ध्यान से सुनना, टोटल मॉलिक्यूल्स इनमें से किसके प्रोपोर्शनल में है वो मुझे पता करना है, तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर मानता हूं, सॉरी सेल मानता हूं जिसकी थिकनेस है डी आर, उस थिकनेस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उस थिकनेस में टोटल डी एन होगा, ये डेंसिटी इंटू 4πr² dr, तो टोटल मॉलिक्यूल एन क्या होने बच्चों, उसका इंटीग्रेशन तो एन आर है, एन नॉट ई रेस टू माइनस अल्फा आर रेस टू 4πr² dr, इसका मुझे अब इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेके आर की लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट तक, तो इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एन नॉट 4π कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा ई रेस टू माइनस अल्फा रेस टू 4 इंटू r² dr, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अब देखो ये इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है, रीजन यहां पे r रेस टू 4 है, यहां पे r² है, अगर यहां पे r क्यूब होता तो मैं कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर पाता कि भाई इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं t, तो ये डिफरेंशिएशन में dt में कुछ टर्म आ जाएगा, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं हो रहा बच्चों, ये r रेस टू 4 है या r² है, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, और यहां पे सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, मैं इस पूरे टर्म को एज्यूम कर लेता हूं t, तो e माइनस अल्फा r रेस टू 4 बराबर t, मैंने इस पूरे टर्म को एज्यूम कर दिया, दोनों साइड में लॉग ले लूंगा, ln ले लूंगा, तो ln e रेस टू माइनस अल्फा r रेस टू 4 बराबर ln t, तो ये आगे जाएगा ln e 1 हो जाएगा, तो माइनस अल्फा r रेस टू 4 बराबर ln t, तो r हो जाएगा बच्चों ln t, मतलब माइनस में ln t का 1/4 power और अल्फा का 1/4 power, ये हो गया बच्चों r। अब इस r को मैं यहां पे यूज करूंगा, तो ये तो मेरा टर्म था t, तो अगर मैं ये वाली चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये इंटीग्रेशन पहले कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों t में इंटू r², तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ln t 1/2 power अल्फा 1/2 power इंटू dr, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो dr बाई dt क्या होने वाला है, 1/-1/α 1:4, तो कॉन्स्टेंट ये 1:4 बाहर आएगा, ln t का 1/4 - 1 इंटू ln t का डिफ्रेंशिएशन 1/t, तो ये पूरा टर्म मैं यहां पे रखूंगा dr की जगह, इस dt को सामने ले आता हूं तो ये पूरा टर्म होने वाला है dr की जगह, तो इंटू dr में यहां पे मेरा बड़ा सा टर्म है, और वो टर्म कौन सा है, ये वाला माइनस, तो माइनस एक जाने वाला है, ठीक है, ये माइनस चला जाएगा, 1/α 1/α 1/2, ठीक है, और ये 1/4 ln t 1/4 - 1 इंटू 1/t dt, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन। अब सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों मुझे इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं करना, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल में है, यानी मुझे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म देखना है, तो बाहर कॉन्स्टेंट टर्म ऑलरेडी n नॉट 4π था, और क्या कॉन्स्टेंट निकल रहा है बच्चों, देखो ये 1/4 कॉन्स्टेंट निकलेगा, तो 4 गया, तो एन नॉट पाई, और नीचे से ये अल्फा रेस टू 1/2 और अल्फा रेस टू 1/4, यहां से ये कॉन्स्टेंट निकलेगा, ठीक है, तो 1/2 और 1/4 होना है 3/4, तो नीचे अल्फा रेस टू 3/4 और अंदर होगा टी वाला टर्म, टी एल एन टी का रूट
फिर ln t का 1 by 4 minus 1 यानी minus 3 by 4 power upon t dt, और यहाँ पे मैं t की लिमिट रखूंगा। t की लिमिट कैसा पता चलेगी मुझे, तो मैं r की लिमिट 0 रखू तो t के 0 हो जाएगा, r इनफाइनाइट रखू तो t 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 से 0 यहाँ पे लिमिट आनी है 1 से 0 तक। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूछा है, यानी मुझे ये इंटीग्रेशन करना नहीं है। जब मैं ये इंटीग्रेशन करूंगा ये सारी चीजें टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारा टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा जब मैं लिमिट पुट करूंगा, यानी ये चीज भी कांस्टेंट है लिमिट पुट करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो मेरा आंसर आने वाला बच्चों प्रोपोर्शनल टू एन नॉट अल्फा रेस टू माइनस 3/4 इंटू सम कांस्टेंट टर्म। तो ये सारी चीजें किसके प्रोपोर्शनल होने वाली है, एन नॉट अल्फा रेस टू माइनस 3/4 इसके प्रोपोर्शनल होने वाली है, एन नॉट अल्फा रेस टू माइनस 3/4 के प्रोपोर्शन होगा। और ये क्वेश्चन बच्चों जेई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनटीए ने जब से एंट्री किया है 2019-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, कई बार आपको टाइम बचाने के लिए पूछा क्या है वो भी हमेशा देखो बच्चों, ये देखो बच्चों गलती करते कई बार क्या करते हम, सिर्फ क्वेश्चन देख के सीधा सॉल्यूशन पे जंप करते, नहीं आपको ये भी देखना है ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, क्या पूछा है, कहां पे मैं कैलकुलेशन दूर कर सकता हूं, ये सारी चीजें भी हमें पता करना है। तो कई बार टाइम बचा के भी हम आगे क्वेश्चंस को अच्छा सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वापस लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जिससे सारे इंडिया डरता है वैसा ही क्वेश्चन है ये, और ये भी जेई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया है वो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो एक सिलेंडर है जिसमें M मास का पिस्टन है, यहां पे N मोल, यहां पे भी N मोल, ये L1 लेंथ है इसकी और इसकी लेंथ है L2। तो मुझे M कितना है ये पता करना है, ये सिस्टम अभी रेस्ट पे है, दोनों साइड टेम्परेचर TT है, ठीक है, दोनों साइड टेम्परेचर T है, दोनों साइड मोल भी N है। तो ये मुझे इस पिस्टन का मास कितना है ये पता करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये पिस्टन रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा, न्यूटन्स लॉ लगा दो अपना आसानी से आंसर आ जाएगा। तो पिस्टन मानो यहां पे प्रेशर P1 है, नीचे प्रेशर P2 है, तो अगर मैं पिस्टन को वापस ड्रॉ करूंगा, देखो इस तरीके से पिस्टन है M मास का, तो ऊपर से फोर्स लग रहा है P1 इंटू एरिया A, नीचे से फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है P2 इंटू एरिया A, और यहां पे फोर्स लग रहा है MG। तो मुझे बस फोर्स को बैलेंस करना है बच्चों, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स, यानी मैं लिख सकूंगा यहां पे mg प्लस p1a बराबर p2a। तो mg प्लस p1a की जगह पे क्या लिख सकता हूं, nrt बाई वॉल्यूम, तो nrt बाई वॉल्यूम कितना है l1 इंटू a ऊपर वाले का इंटू एरिया a बराबर nrt बाई वॉल्यूम l2a इंटू एरिया a। तो यहां से जाएगा तो मुझे m मिल जाएगा बच्चों, m बराबर क्या होगा, nrt अपॉन 1/L2 माइनस 1/L1 डिवाइडेड बाई जी, ये अपना आंसर होगा। तो एनआरटी बाई जी, एनआरटी बाई जी L2, ये N ज्यादा हो गया है बच्चों, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लो आप। तो एनआरटी बाई जी अपन 1/L1 माइनस 1/L2 का LCM लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना जो आंसर होने वाला है बच्चों वो है D। तो ये L1 माइनस L2 अपन L1 L2 करोगे तो आपका D ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कैलकुलेशन कितना सिंपल है, तो और ये बहुत बार देखा गया है, जितना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा उसकी कैलकुलेशन उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा भी कई बार होता है, इसलिए लंबे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस पकड़ बनाए रखो, पहले सेंटेंस से लेके आखिरी तक पढ़ो तब आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो आप बड़ी आसानी से एक दो ही इक्वेशन में आप क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी का वापस, तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। इस क्वेश्चन बच्चों हमें दिया है टेम्परेचर, देखो वॉल्यूम दे रखा है एक रूम का, वॉल्यूम है 30 और टेम्परेचर T1 है 290, T2 है 300, मतलब 290 से बढ़ा के 300 कर दिया है। प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है 10^5, प्रेशर कॉन्स्टेंट है 10^5। तो हमें पूछा है के मोल में चेंज कितना होगा, NF माइनस NA, फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल क्या होगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला है PV अपॉन RT, यानी यहां से लिख सकते हैं बच्चों N फाइनल माइनस N इनिशियल बराबर P और V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन T फाइनल माइनस 1 अपॉन T इनिशियल। वैल्यू पुट करते हैं, P है 10^5, वॉल्यूम है 30, R की वैल्यू लेंगे हम 25/3,
वन अपॉन 300 माइनस वन अपॉन 290। एलसीएम करना है, थोड़ा स्मार्टली भी सोचना है। 10^5 30 इंटू 3 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे तो 290 माइनस 30 तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 300 इंटू 300 तो ये हो जाएगा 9000। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 40 यहां से, तो यहां पे सिर्फ 10 बचेगा। तो ये यहां पे आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ये 3 9 से गया तो और एक 10 बचा यहां पे, तो 10 10 10 कितना आया बच्चों आंसर, माइनस 1000 अपॉन 25। ठीक है, ऐसा ही कुछ आंसर दिखेगा आपको, माइनस 1000 अपॉन 25। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा माइनस 40 के आसपास कुछ आंसर अपना होना चाहिए। लेकिन कुछ मुझे लगता है यूनिट में गड़बड़ हुआ है, ये मोल मिले बच्चों, सॉरी यहाँ पे ये मोल की, मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा, ये तो मुझे मिल गया मोल, तो मुझे NF माइनस NI मॉलिक्यूल ढूंढना, तो मुझे इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं यही कह रहा था, एक बार ऑप्शन का फॉर्म देख लो, ये मैंने मोल ढूंढ लिया, अब मुझे उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 40 इंटू 6.023 10^23 तो ये हो जाएगा माइनस 25 के आसपास कुछ, 24 यानी माइनस 25 10^23 ये 40 इंटू 6 250 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे 2.5 में लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस 2.5 10^25 ये अपना आंसर होगा। कैलकुलेशन सही था, बस यहाँ पे लास्ट में थोड़ी गलती हुई थी, तो उसको अगर हम पॉइंट में वापस 2.5 जो ऑप्शन दिया उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस 2.5 10^25 यहां तक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वापस सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे बोला गया है बच्चों कि 300 डिग्री पे जो नाइट्रोजन की आरएमएस स्पीड है वही हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड कितने टेम्परेचर पे होगी, ये पूछा गया है। तो आरएमएस स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं हम, तो आरएमएस स्पीड का वी आरएमएस नाइट्रोजन बराबर वी आरएमएस हाइड्रोजन कंपेयर करना है, तो ये हो जाएगा 3RT/m ऑफ नाइट्रोजन बराबर अंडर रूट 3RT/m ऑफ हाइड्रोजन। तो रूट रूट जाएगा, 3R जाएगा, रूट रूट भी हटाते हो, नाइट्रोजन का टेम्परेचर 300 अपॉन मोल है 28, वही है ना 300, और उसका जो वेट होगा नाइट्रोजन का 28 होगा, तो यहां पे टेम्परेचर ढूंढना है और इसका आंसर आने वाला है 2। तो T बराबर होने वाला है बच्चों 300 इंटू 2/28। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं, अगर मैं इसको 30 मान लूं तो ये हो जाएगा 10^2 20, मतलब 20 से थोड़ा ज्यादा यहां पे आंसर आएगा। और मैं अगर एग्जैक्ट इंटीजर में कैलकुलेट करने की ट्राई करूंगा तो ये मेरा आंसर होने वाला है 21। यहां पे आंसर आएगा बच्चों 21 केल्विन पे ये चीज पॉसिबल होगी। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वापस केटीजी पे आरएमएस स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट करेंगे खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे बच्चों हमें जो दिया गया है वो कंडीशन पहले समझते हैं कि टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, और हमें ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे रखा है। तो ध्यान से देखना बच्चों, मुझे इन्हीं वैल्यू का यूज करके, यही सब वैल्यू का यूज करके मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला है 3KT/एटम का मास, मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बराबर, मुझे किसके अप्रोक्सीमेट करना, एस्केप स्पीड के इक्वल करना। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 2G × R। ये एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, रूट रूट जाने देते हैं, तो 3K की वैल्यू दे रखी है 1.38 10^-23, टेम्परेचर पता करना है, मुझे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास चाहिए, और देखो यहां पे जो वैल्यू दिया मुझे वही यूज करना। यहां पे क्या दिया है बच्चों कि पर किलोग्राम इतने मॉलिक्यूल्स है, पर केजी इतने मॉलिक्यूल, यूनिट देखो केजी में है, तो पर केजी इतने मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ध्यान से देखना। तो 6.02 × 10^26 में 1 kg, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना केजी, तो वो हो जाएगा 1/6.02, यानी ये हो जाएगा 1/6.02
10^26 बराबर अंडर रूट में ये है तो रूट गया था 2, जी है 10, आर है 6.4, 10^6 यही दिया ना 6.4 10^6। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 3RT by capital M यूज क्यों नहीं किया, वो भी मैं आपको समझा दूँ, ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पे 3RT by capital M यूज करते हैं तो ये M कौन सा मास है, मोलर मास है, पहली चीज एक मोल का मास है। और यहाँ पे R का यूनिट क्या होता है बच्चों, R का यूनिट होता है जे जूल पर मोल केल्विन, ये R का यूनिट होता है। अगर आप यहाँ पे R की वैल्यू 8.314 यूज करो, हाइड्रोजन का M मास यूज करो, तो आपका आंसर सही आएगा। लेकिन बच्चों वो सही तरीका नहीं है, सही तरीका यही है कि जो वैल्यू आपको ब्रैकेट में दिया है वही आपको यूज करना है। मानो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 2.38 दिया होता तो मैं यहाँ पे 2.38 यूज करता, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन में दिया गया है। तो बस वो ये यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि सारी वैल्यू मुझे सही दी गई है। अगर मैं इनमें से कोई वैल्यू मॉडिफाई कर दूं तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके आर की वैल्यू 8.314 नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों में से आर निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बेस्ट ये सुटेबल समझा कि उससे अच्छा मैं 3KT/M यूज कर दूं, क्योंकि मुझे K की वैल्यू पता था और एवोगाड्रो नंबर भी मुझे दिया रखा था। अगर आप K इंटू N को मल्टीप्लाई करके R पता करते हो, ध्यान से देखना, अगर आप K इंटू N करके R करते हो तो R का यूनिट क्या हो जाता है बच्चों, R का यूनिट इस फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा जूल पर किलोग्राम केल्विन, लेकिन इस फॉर्मूला में R का यूनिट है जूल पर मोल केल्विन। इसलिए आप यहां पे यह भी चीज नहीं कर सकते बच्चों के K इंटू N करके सीधा ये चीज लिख लो, वो भी आपकी गलत हो जाएगी R। तो बेटर फॉर्म यही है कि आप यही चीज यूज करो और यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है वो आपको पुट करना है। आंसर दोनों मेथड से सही आएगा, यहाँ पे R की वैल्यू 8.314 रख दो, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम वो यहाँ पे रख दो, तो आंसर वही आने वाला है। लेकिन वो सही मेथड नहीं है बच्चों, सही मेथड ये है जो वैल्यू दिया उसको पुट करो। मुझे टेम्परेचर का फॉर्मूला चाहिए तो ये ऊपर जाएगा तो 3 × 6 हो जाएगा 18, 1.38, 10^3 टेम्परेचर बराबर ये 10^2 20, 20 × 6.4 10^6 तो ये 10^3 यहाँ पे बच्चा आएगा 10^3 और इसको अगर डिवाइड करें टी क्या हो जाएगा 20 × 120 यानी 130 अपॉन 18 × समथिंग 1.4 ये होने वाला है 25 के आसपास 10^3 यानी अगर आप यहाँ पे बेस्ट सुटेबल जो आंसर देखोगे बच्चों तो वो होने वाला है 10^4 ये अपना आंसर होगा सी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों कि जो वैल्यू दिया था उसी का यूज करके मैंने कैलकुलेट किया है। और आप देख लो बच्चों जेई मेन प्रीवियसर का क्वेश्चन है 2019-20 में आया हुआ है, किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे देख लो, ये क्वेश्चंस को इतने डेप्थ में किसी ने सॉल्व नहीं करवाया। सबने क्या किया डायरेक्ट यही वैल्यू लिख लिया है, आर की वैल्यू ये कर दी, एम इतना कर दिया, आंसर गिन लिया, जो गलत है। हमें एग्जैक्टली जो दिया है उसी को मेंटेन करके चलना है, आंसर लाना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो सही नहीं होगा, इस तरीके से जो आंसर आएगा वो सही होगा वैल्यू को पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या किया है यहां पे। तो मैं ट्राई करूं उससे पहले मैं चाहता हूं वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए। अब यहां पे बोला गया है कि कंडीशन क्या है कि कैपिटल एन मोल ऑफ गैस सिलेंडर में रखे हुए टेम्परेचर टी पे, अब अगर हमने उसको हीट दिया, हीट देने से क्या हुआ स्मॉल एन मोल टूट के क्या बन गए बच्चों, मोनोएटॉमिक गैस बन गए। ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो पूछा है, ध्यान से देखना बच्चों, स्मार्टली सोचना है। टोटल मानो मेरे पास एन मोल है, टोटल एन मोल है कैपिटल एन, उसमें से छोटा सा पोर्शन है स्मॉल एन, यही टूटा है, तो ये जो बाकी का पोर्शन है उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, यानी इस छोटे से पोर्शन का जो चेंज है मुझे वही ढूंढना है बच्चों। तो छोटा सा पोर्शन पहले n मोल का था, टूट के कितने मोल का बन गया बच्चों, 2n मोल का बन गया, लेकिन पहले वो डायएटॉमिक था, टूटने के बाद वो बन गया मोनोएटॉमिक। तो मैं पहले फाइनल एनर्जी निकालता हूं, फाइनल एनर्जी मोनोएटॉमिक का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 3/2 2n × t, ये हो गई फाइनल एनर्जी, इतने पोर्शन की फाइनल एनर्जी F/2 nRT। अब इनिशियल की बात करूंगा तो इनिशियल डायएटॉमिक है तो हो जाएगा 5/2 mol n है RT, तो चेंज क्या होने वाला है डेल्टा यू करेंगे तो 6 − 5 यानी 1/2 nRT/2 ये होगा चेंज, nRT/2 ये अपना आंसर आ जाएगा A। तो स्मार्टली देखो बच्चों, स्मार्टली सोचो तो आपको सही से पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है,
ये जो बड़ा सा एन वाला पोर्शन है उसकी एनर्जी अभी भी उतनी की उतनी है, क्योंकि वो अभी भी डायमेट्रिक है, उसका टेम्परेचर सेम है, सिर्फ ये जो छोटा सा पोर्शन है उसी का मुझे चेंज गिनना है। और ऐसा क्वेश्चन देखो डिसोसिएशन पे, ये आज के ही सेशन में दूसरा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आते रहते हैं, स्पेशली केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। यहां पे बोला गया है मॉलिक्यूल का मास कैपिटल एम है और अर्थ की सरफेस पे है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू जीरो केल्विन पे, जीरो डिग्री पे जो एनर्जी होगी वही उसकी भी काइनेटिक एनर्जी है। अगर उसको किसी के साथ भी कोलाइड किए बिना ऊपर जा रहा है तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, ये पूछा है। कंडीशन दिया हुआ है यहां पे कि हाइट अटेम्प्ट इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस से काफी कम हाइट वो अटेम्प्ट करता है, ये बोला गया है। तो पहले तो मैं उसकी एनर्जी ढूंढ लेता हूं। तो एम मास है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहां पे देखो बच्चों ट्रांसलेशन एनर्जी ही लेना है, ये मास मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डायएटॉमिक, ट्राई, जो भी हो, उसकी जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वो ऊपर जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट होने वाली है, उसकी जो रोटेशन एनर्जी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी इनिशियली है वो एच हाइट पे जाके पोटेंशियल बन जाएगी, फिर वहां से मुझे एच हाइट निकालना है। तो ट्रांसलेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 k इंटू टी, कितना है 0 डिग्री के बराबर, 273। और ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है एम जी एच के बराबर, ऊपर जाके वो हो जाएगा एम जी एच। तो मुझे एच पता करना है, तो एच क्या आने वाला है, 273 इंटू 3 करेंगे तो यहां पे आने वाला है 819/2 mg, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है और ये g है, ये अपना आंसर होगा 819/2 mg, ये अपना आंसर होगा। तो एक बार समझो, ये रोटेशन में आप पढ़ चुके हो कि जब मानो प्योर रोल करता करता गोला कोई ऊपर जाता है स्मूथ सरफेस पे, तो उसकी रोटेशन एनर्जी वही के वही रहती है, सिर्फ ट्रांसलेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहां पे भी है, क्योंकि ऊपर जाने में, पोजिशन चेंज करने में ट्रांसलेशन का रोल है, रोटेशन को टॉर्क वगैरह लगने से चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड क्वेश्चन, देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। तो यहां पे बच्चों हमें जो दिया गया वो एक बार पढ़ लेते हैं कि वेसल के अंदर मोलेक्यूलर मास कैपिटल एम है और उसका स्पेसिफिक हीट का रेशियो गैमा है और वो वी स्पीड से जा रहा है और वो सडनली रेस्ट पे आ गया, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी चेंज किस में हो गई बच्चों, सारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई उसकी इंटरनल एनर्जी में। तो इनिशियली कितनी एनर्जी थी, हाफ, मानो एन मोल थे पहले, ठीक है, तो और टोटल मास था एम, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई बच्चों एन सी वी डेल्टा टी, ये मुझे पूछा गया है। तो हाफ टोटल मास इंटू वी स्क्वायर बराबर एन मोल, क्या होगा, टोटल मास अपन मोलेक्यूलर मास, क्योंकि मेरे ऑप्शन देखो कैपिटल एम के टर्म्स में है, ये स्मॉल एम तो मैंने एज्यूम किया है टोटल मास, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो एम बाई एम सी वी, सीवी का फॉर्मूला होगा आर अपॉन गैमा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। तो यहां से मुझे डेल्टा टी क्या मिलने वाला है, स्मॉल एम जा रहा है, डेल्टा टी होगा गैमा माइनस वन बाई टू आर एम, गैमा माइनस वन बाई टू आर एम ऐसा कुछ होगा, और ये केल्विन टेम्परेचर है, सॉरी डेल्टा टी, तो गैमा माइनस वन ऊपर वी स्क्वायर भी आएगा और एम भी ऊपर आने वाला है, गैमा माइनस वन एम वी स्क्वायर अपॉन टू आर, गैमा माइनस वन एम वी स्क्वायर अपॉन टू आर, गैमा माइनस वन एम वी स्क्वायर अपॉन टू आर केल्विन, ये हो गया अपना ऑप्शन सी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज का जो फॉर्मूला है, कई बार ऐसा मैकेनिक्स की चीज भी आ जाती है कि जो बाहर की उसकी एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी थी वो इंटरनल बन गई, हीट लॉस नहीं हुआ, वो अंदर कन्वर्ट हो गई, प्रैक्टिकली तो हीट लॉस भी कुछ होगा, सराउंडिंग में भी जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस में क्या दिया है, दो गैस है आर्गन और ज़ेनन, उनकी रेडियस दी गया है, एटॉमिक वेट भी दिया गया है और सेम नंबर ऑफ डेंसिटी है और सेम टेम्परेचर पे है, तो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम, उनके जो एवरेज कोलिजन के बीच का टाइम है मीन फ्री टाइम, उसका रेशियो पूछा गया है। तो टी वन अपॉन टी टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/√2π
डी वन का स्क्वायर एन वन इंटू एवरेज स्पीड टू आर टी वन बाई एम वन डिवाइड बाय दूसरे गैस का वन अपॉन रूट टू पाई डी टू का स्क्वायर एन टू टू आर टी टू बाई एम टू। देखो टू आर रूट टू पाई डी जाने वाला है। दूसरी चीज ये एन मोल नहीं है, ये उनके नंबर डेंसिटी है, टोटल नंबर अपन वॉल्यूम ये भी सेम दिया है। तो T1 by T2 क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली T1 by T2 हो जाएगा D1 square upon D2 square रूट के अंदर M1 by M2। अब मुझे वैल्यू पुट करना है D1 D2 डायमीटर का क्या है, रेडियस 0.07 अपॉन 0.1 यानी मैं इसको लिख सकता हूं 7 by 10 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D1 by D2 7 by 10 का स्क्वायर, यही तो होगा अपॉन सॉरी ये M2 by M1 आएगा, ठीक है ना, M2 by M1। तो M2 by M1 देखते हैं, तो M2 है इसका 140 अपॉन M1 है 40 यानी 140 अपॉन 40 7 by 2 into 7 by 2। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो ये 0.7 समथिंग कुछ हुआ है और ये है 3.5 का रूट, 3.5 का रूट into 0.7 का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू रूट 3.5 ये कुछ होगा। तो अब इसको अगर मैं ढंग से कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर 3.5 का रूट किसके आसपास होगा, तो ये हम करते हैं 0.5 इंटू 36 बाई 10, इसको 3.6 करके 36 बाई 10 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 36 हो जाएगा 6 बाई 10 है 3.14। तो 3.14 6 से करेंगे तो 2 के आसपास होगा, 2 इंटू 0.5 आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास आंसर आने वाला है। रेशियो क्या होगा बच्चों, 1 इक्वल के आसपास होगा। तो यहाँ पे एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा तो मैं बेस्ट सुटेबल ऑप्शन 1.83 टिक करके आऊंगा, ये हमें ध्यान रखना है। बोनस की आशा हर बार नहीं रखना है, बेस्ट जो नियरेस्ट आंसर है वो भी टिक करके बोनस होगा तो होना ही है। अगर ये आंसर एनटीए ने दे दिया तो आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते गलत है, हाँ गलत है, लेकिन बेस्ट सुटेबल है तो आपको कॉमन सेंस लगा के भी कई बार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो बार प्रिंट हो चुका है तो इसको जरा हटा देंगे। क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। यहां पे हमें मिक्सर दिया है, n मोल हीलियम है और 2n मोल ऑक्सीजन है, तो उनका हमें गामा मिक्स निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं मिक्सर का सीवी मिक्स निकाल देता हूं। सीवी मिक्स का फॉर्मूला क्या है, एन वन सी वी वन एन टू सी वी टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो एन वन है एन मोल, सी वी वन कितना होगा 3/2R, एन टू है 2N उनका कितना होगा 5/2R अपॉन टोटल मोल 3N, 2N और 2N करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा 3/2R प्लस 10/2R अपॉन 3, तो ये हो गया 13/6R, ये हो गया CV। तो CP क्या होगा, CV प्लस R करेंगे तो 19/6R हो जाएगा CP। तो गैमा क्या होगा, CP बाई CV करेंगे तो 19/13, ये अपना आंसर आ जाएगा यहां पे 19/13 ऑप्शन ए। तो मिक्सर में भी कई बार आपको सीपी सीवी गैमा मिक्स ढूंढने को बोल सकते हैं। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जैसे डायरेक्टली गैमा मिक्स का भी फॉर्मूला है, लेकिन वो मैं अभी यूज नहीं कर रहा, मैंने सीवी मिक्स का फॉर्मूला याद रखा था तो वहां से मैंने सीपी मिक्स निकाल दिया, फिर दोनों का रेशियो कर दिया, टाइम ऑलमोस्ट इक्वल ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके लिए वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे मुझे दो चीज, दो क्वांटिटी का रिलेशन ढूंढ के ग्राफ पता करना है। क्वांटिटी कौन सी है, मीन फ्री टाइम और टेम्परेचर, इन दोनों का रिलेशन पता करना है। फॉर्मूला क्या है, दो कोलिजन बीच का एवरेज टाइम का फॉर्मूला है वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर डेंसिटी अंडर रूट टू आर टी बाय एम। यानी देखो अगर ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट टू कह सकता हूं, यानी अगर टाउ वर्सेस वन अपॉन रूट टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये देखो टाउ वर्सेस वन अपॉन रूट टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जैसे टाउ वर्सेस रूट टेम्परेचर का ग्राफ हाइपर बोला आएगा, ये ग्राफ हाइपर बोला आएगा, ठीक है, उस तरीके से हम, और ये सारे ग्राफ होंगे वो पैराबोल, इस तरीके के ग्राफ तो नहीं आएंगे, यही ग्राफ है जो मोस्ट मैच कर रहा है।
बाकी के भी आप इक्वेशन के ग्राफ पता कर सकते हो कि कौन सा ग्राफ कैसा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस एटॉमिक कोलिजन पे क्वेश्चन है, मतलब एवरेज कोलिजन के बीच के टाइम पर देखो। और ये क्वेश्चन आज के ही सेशन में चार बार आ चुका है, और पिछले सेशन में मैंने ऐसे एक दो क्वेश्चन लिए थे, और पिछले तीन साल से मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि पिछले तीन साल से इस तरीके के क्वेश्चन आना एक ट्रेंड बन चुका है, तो हमें यहां पर समझना है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। यहां पे बोला गया है कि जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दो क्वांटिटी है, मीन फ्री पाथ यानी लैम्बडा और कोलिजन के बीच का टाइम टाउ, इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा का फॉर्मूला है 1/√2π d² n। तो ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी लैम्बडा सेम रहेगा, लेकिन टाउ का फॉर्मूला है, ये लैम्बडा तो होने ही वाला है, अपॉन 2RT/m। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टाउ डिक्रीज होगा, यानी लैम्बडा सेम रहेगा, टाउ डिक्रीज होगा। तो देखो ये 3 सही है, मीन फ्री पाथ लैम्बडा सेम रहेगा और टाइम डिक्रीज 2 भी सही है, यानी 2 और 3 दोनों करेक्ट है, तो ये 2 और 3 करेक्ट वाला ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। ध्यान से देखो, आपको चार डिटेल यहां पर दी है, उनमें से कौन सी है उसके ऑप्शन तो यहां पर है, ये है ऑप्शन। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, और यहां पे आपको वो ढूंढ के पता करना है, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बेस, अब आप समझ रहे हो कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस हम 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मेसदी कॉलम। और हाँ, ये मुझे एक चीज आपको बतानी थी, मेसदी कॉलम देख के याद आया कि वापस वही, जब से एनटीए ने एंट्री किया है तब से हर दूसरे पेपर में एकादो मेसदी कॉलम पूछा जा सकता है, हर दूसरे पेपर में। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, मानो अगर फरवरी अटेम्प्ट 2021 में 8 पेपर होते हैं, तो 8 पेपर मिला के किसी भी 3 या 4 पेपर में एक मेसदी कॉलम होगा, ठीक है। वही 4 मार्क का होगा, +4 -1, उसका कोई अलग से मार्किंग नहीं है, क्योंकि देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको बेस्ट सुटेबल मैच करना है, यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे गैमा बोला, ये अलग अलग टाइप की गैस दिया है, ये उनका गैमा है, मुझे मैच करना है। तो मोनोएटॉमिक की बात करो, मोनोएटॉमिक का एफ होता है बच्चों 3, यानी उसका गैमा हो जाएगा 5/3। तो ए के लिए मेरा सुटेबल ए के लिए बनेगा 4, ठीक है। डायएटॉमिक रिजिड एफ होता है 5, तो ये उसका गैमा होना है 7/5, तो बी के लिए बनना है मेरा 7/5 यानी 1। सी डायएटॉमिक नॉन रिजिड, नॉन रिजिड का मतलब क्या है, मानो H2 है, अगर H2 एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो वो रिजिड कहा जाता है, लेकिन अगर मानो वो वाइब्रेशन करने लगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन रिजिड हो जाएगा, यानी नॉन रिजिड लिखने से हमारी वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम एड हो गई। तो कितनी होगी वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी वाइब्रेशन की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक तो वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी आएगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है, यानी उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो भी चेंज होगी, और वो एनर्जी का चेंज भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताना पड़ेगा। इसलिए डायएटॉमिक जब वाइब्रेट करे तो उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो मेरा गैमा कितना होगा बच्चों, 9/7, तो सी के लिए आने वाला है 3। और डी की बात करते हैं, तो ट्राई एटॉमिक है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, तो 6 का लिखेंगे 4/3 गैमा आ जाएगा, यानी 6/4 यानी 4/3। तो डायएटॉमिक ये 2 है, सॉरी यहां पे 2 लिखेंगे और यहां पे आएगा 3, यानी 4/1/2/3 ये मेरा आंसर होगा, तो 4/1/2/3 मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ये बच्चा पक्का, आप ये मुझे भरोसा है कि आपको शायद ये पहली बार पता चला होगा कि डायएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की कैसे ऐड करनी है, पोटेंशियल भी वहां पे आ सकता है, और ये जेई मेन प्रिय सर का क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन सिलेबस में नहीं है बच्चों, वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम सिलेबस में है, आपके सामने रहा क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो पहला यहां पे देखो, पूरे क्वेश्चंस को 2 केस में तोड़ा गया, तो पहला केस में लिखूंगा, टू रेज अ टेम्परेचर बाय 50 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर 160 कैलोरी मुझे देना पड़ेगा, यानी Q = nCp डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर है तो
तो मुझे 160 कैलोरी देना है एन मोल को, सीपी मुझे कितना डिग्री बढ़ाना है 50। दूसरा मुझे कंडीशन दिया है व्हेन द सेम मास यानी सेम मोल वगैरह 100 डिग्री से मैं बढ़ाता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे 240 देना पड़ रहा है। तो दूसरे में क्यू कितना आएगा, एन सी वी डेल्टा टी, तो ये है 240 बराबर एन सेम सी वी, और ये कितना बढ़ाना है मुझे 100 डिग्री। तो पूछा है यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, पहले मैं यहां से गैमा ढूंढ लेता हूं। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, सीपी बाई सीवी मिल जाएगा मुझे 160 अपॉन 240 एन एन गया, सीपी बाई सीवी इंटू 50 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 2, ये होना है 320। तो सीपी बाई सीवी गैमा कितना हो गया बच्चों, गैमा बराबर 320 बाई 240, ठीक है। तो ये 80 से 3/4 गैमा आ गया 4/3, और गैमा का फॉर्मूला है 1+2/f, क्योंकि मुझे f ढूंढना है गैमा नहीं ढूंढना। तो यहां से आपको -1 करो तो 1/3 = 2/f, यहां से f मिलेगा आपको 6। कितना आंसर आने वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी अपनी 6, ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, दो चीजें दी गई है, दोनों को कंपेयर करना है, डिवाइड करना है, आपको आगे गिनना है, इस तरीके से कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वापस देखो बच्चों, डायटोमिक नॉन रिजिड बेस ये क्वेश्चन है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ध्यान से पढ़ो एक बार। तो यहां पे हमें दिया है डायटोमिक गैस ए और बी, दो गैस है, गैस ए और दूसरा है गैस बी, दोनों डायटोमिक है, टेम्परेचर टी है, और ए रिजिड है, ए रिजिड डायटोमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। और बी कैसा दिया है, मास एम है, बी का मास हैज एडिशनल वाइब्रेशन मोड, उनके पास एडिशनल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल होने वाला है 7। तो बोला गया है बच्चों के उनका स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। मतलब दोनों के सीवी का रेशियो क्या होगा, तो सीवी ऑफ ए और सीवी ऑफ बी, ए बाई बी पूछा है ना, हाँ, तो सीवी ऑफ ए अपॉन सीवी ऑफ बी, फॉर्मूला क्या है, एफ बाई टू आर अपॉन एफ बाई टू आर, आर बाई टू आर बाई टू जाएगा, तो ए का और बी का एफ, तो ये हो जाएगा 5/7, उनका जो रेशियो आने वाला है वो है 5/7। अगर आपको ये दो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी, डायटोमिक नॉन रिजिड ये नहीं पता होता, तो आप ये वाला क्वेश्चन और वर्ड मैच दी कॉलम, ये दोनों क्वेश्चन जेई मेन प्रीवियस ईयर का है, ये क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट मतलब जनवरी अटेम्प्ट का है, वो दूसरा क्वेश्चन अगस्त अटेम्प्ट का है, ठीक है। दोनों अटेम्प्ट में एक एक बार ऐसे क्वेश्चन आए थे, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डायटोमिक नॉन रिजिड के पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 ट्रांसलेशन हो गई, 2 रोटेशन हो गई, 2 वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में एक पोटेंशियल वाली, एक काइनेटिक वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रोसेस दिया गया है मेरे पास, प्रोसेस कौन सी है, वीटी बराबर कॉन्स्टेंट, तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा यह पूछा है डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो प्रोसेस है वीटी बराबर कॉन्स्टेंट, इसको मैं पॉलीट्रॉपिक से कंपेयर करूंगा, पीवी रेस टू एन से कंपेयर करूंगा, यानी पहले मुझे पी लाना पड़ेगा, तो टी को हटा के मैं लिख सकता हूं वी इंटू पीवी बराबर कॉन्स्टेंट, क्योंकि टी की जगह मैं पीवी बाय एनआर लिख सकता हूं, एनआर भी कॉन्स्टेंट है तो सामने चला जाएगा, तो पी वी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट, तो देखो पीवी रेस टू एक्स मेरा आंसर आ गया। अगर मेरी इक्वेशन पीवी रेस टू एक्स बराबर कॉन्स्टेंट है, तो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है सीवी प्लस एक्स, सॉरी सीवी प्लस आर अपॉन 1 - x, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर पीवी रेस टू एक्स प्रोसेस है तो उसके सी का फॉर्मूला ये है। अब गैस कौन सा है, मोनोएटॉमिक है, तो सीवी कितना हो जाएगा 3/2 r प्लस आर अपॉन 1 - 2, यानी 3 r/2, 1 - 2 - 1 यानी -r, तो ये हो जाएगा r/2, ये मेरा हो गया सी। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी, तो एन सी है r/2 डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी बाई टू, अब यहां पे बोला है 1 मोल, तो एन 1 कर देंगे, तो r डेल्टा टी बाई टू, ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो देखो आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला पता है, तो देखो ये क्वेश्चंस कितनी आसानी से हो गया, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है बच्चों, मुझे बस आपको ये बताना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही चीज मैंने आपके सामने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। वापस जो क्वेश्चन है बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पीवी रेस टू एन पे क्वेश्चन है, मुझे उसका सी निकालना है और रिलेशन ऐसा कुछ लाना है। ऑप्शन देखो,
ऑप्शन में एन बी आ रहा है, सी आ रहा है, सीपी आ रहा है, सीवी आ रहा है, ये सब ऑप्शन में है। तो पहले तो मुझे सी निकालना है, फिर सी को मुझे सीवी और सीपी और एन के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो गिनते हैं, पीवी रेस्ट टू एन प्रोसेसर, तो सी का फॉर्मूला है सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन। तो सी बराबर हो गया सीवी प्लस आर की जगह सीपी माइनस सीवी अपॉन वन माइनस एन। देखो मेरे सारे फॉर्म आ गए, सीपी सीवी सी एन। अब मुझे निकालना है एन, तो एन को यहां पे सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सी माइनस सीवी बराबर सीपी माइनस सीवी अपॉन वन माइनस एन। इसको सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वन मल्टीप्लाई होगा तो सी माइनस सीवी, माइनस एन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन सी, माइनस माइनस प्लस एन सीवी बराबर सीपी माइनस सीवी। तो यहां से माइनस सीवी, यहां से माइनस सीवी गया, यहां से एन, मुझे एन कॉमन निकालना है तो पहले सी को सामने ले जाता हूं, तो एन सीवी माइनस एन सी बराबर सीपी माइनस सी। तो एन कॉमन निकलेगा तो एन हो जाएगा सीपी माइनस सी अपॉन सीवी माइनस सी। ये मेरा आंसर आ गया, सीपी माइनस सी अपॉन सीवी माइनस सी। तो सी माइनस सीवी ये भी लिख सकता हूं मैं, दोनों साइड में कॉमन निकालू माइनस वन वन, तो सी माइनस सीपी अपॉन सी माइनस सीवी, दोनों मेरा आंसर हो जाएंगे। तो मेरा आंसर आ गया बच्चों यहां पे, ये रहा अपना आंसर सी माइनस सी, सॉरी ऊपर सीपी वाला आंसर है, यानी अपना आंसर बी नहीं, अपना आंसर डी है, ऑप्शन डी अपना आंसर है, सी माइनस सीपी अपॉन सी माइनस सीवी। तो आपको फॉर्मूला पता है लेकिन ऑप्शन में किसी और फॉर्म में चीज दी गई है, तो आपको उसी फॉर्म में आंसर को लाना है, ये यहां का कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पूछा होता, सीधा फॉर्मूला नहीं पूछा बच्चों यहां पे, और आंसर आपका आर के टर्म में भी नहीं है, आंसर में सीपी अंदर एंट्री कर गया है, तो इस आर को रिप्लेस करके सीपी ले, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज किया था 2016-17 में, जेई मेन में आया था ये क्वेश्चन, और बहुत लोगों ने ऑप्शन डी टिक कर दिया था जो टोटली गलत है, ध्यान से देखना। सीपी एंड सीवी आर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो तो होता ही है। तो सीपी माइनस सीवी बराबर ए फॉर हाइड्रोजन, सीपी माइनस सीवी बराबर बी फॉर नाइट्रोजन। तो मुझे ए और बी का रिलेशन ढूंढना है। हम जानते हैं एक चीज कि भाई सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर, फिर गैस हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन हो कोई भी हो, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, यानी हाइड्रोजन के लिए ये चीज ए है तो उसके लिए बी है, तो ए बराबर बी। तो कई लोग आंसर डी टिक करके आ गए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है ये समझना है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर कब होता है, जब ये सीपी सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट हो, जब हीट मोलर स्पेसिफिक हो तब सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। और यहां पे हीट कैसे दी गई है बच्चों, सीपी माइनस सीवी, सीपी और सीवी सिर्फ स्पेसिफिक हीट है, यानी दोनों का यूनिट अलग अलग होगा। तो मैं अभी इसको नाम दे देता हूं, अपने जो प्रॉब्लम में सीपी सीवी उसको मैं नाम दे देता हूं सीपी डैश सीवी डैश, ठीक है, ये नाम दे देता हूं सबसे पहले चीज। अब मुझे रिलेशन पता करना है कि भाई एक सीपी है और दूसरा सीपी डैश है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये है पर मोल और ये है पर ग्राम, ये रिलेशन है। तो दोनों में मतलब इसका यूनिट देखो तो पर ग्राम होगा, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और इसका यूनिट देखो तो पर मोल होगा। तो अगर मैं पर ग्राम को मोलर मास से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पर मोल स्पेसिफिक हीट मिलना। यानी ये वाला जो फॉर्मूला है सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये सीपी सीवी ये है ये वाला, लेकिन प्रॉब्लम में जो दिया है मैंने अभी उसको सीपी डैश सीवी डैश मान लिया है, ठीक है। ये सारे चीजें मैं अभी मान लेता हूं सीपी डैश सीवी डैश, सारे ऑप्शन को बदल के सीपी डैश सीवी डैश कर दूंगा। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये मेरे पास फॉर्मूला है। लेकिन सीपी माइनस सीवी को क्या लिख सकता हूं, एम सीपी डैश माइनस एम सीवी डैश बराबर आर, ये लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा होगा बच्चों सीपी डैश माइनस सीवी डैश, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो ये होने वाला है बच्चों R बाई एम, और ये हो गया नाइट्रोजन के लिए R बाई 28, और यही चीज होने वाली है हाइड्रोजन के लिए R बाई 2, सही है। तो ये हो गया A और ये हो गया B, यही था ना कि A है हाइड्रोजन के लिए, सॉरी, तो हाइड्रोजन के लिए ये हो गया A और नाइट्रोजन के लिए B। अब दोनों को कंपेयर करो तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए मतलब बी बराबर आर बाई 28 अपॉन ए बराबर आर बाई 2, तो ये 2 2 गया तो ये ऊपर आ जाएगा,
तो b बराबर 1 बाई 14 a, यानी a बराबर 14 b, ये अपना आंसर होगा, a बराबर 14 b, ये हो गया अपना आंसर a बराबर 14 b। तो यहां पे बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोजन एक तो गैस दिया, अगर आपने मास भी गलत ले लिया तो आप 28 भी कर सकते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें डायटोमिक मानना है हाइड्रोजन को भी नाइट्रोजन को भी। दूसरी चीज यहां पे सीपीसीवी क्या दिया है, सीपीसीवी यहां पे हमें स्पेसिफिक हीट दिया है, और सीपी माइनस सीवी बराबर आर किसी भी गैस के लिए वैलिड है अगर सीपीसीवी मोलर स्पेसिफिक हीट हो तो, इसलिए ये फॉर्मूला का सीपीसीवी और यहां पे दिया गया सीपीसीवी दोनों अलग चीज है। तो मैंने इस फॉर्मूला के सीपीसीवी को ये सीपी डैश सीवी डैश में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा रिलेशन लग गया कि मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर, यानी एक मोल की स्पेसिफिक हीट बराबर एक ग्राम की स्पेसिफिक हीट इंटू उस मोल का मास, तो ये रिलेशन में लगाता हूं तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहां से, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, फिर मुझे बस ऑप्शन मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं है, बीसी क्वेश्चन लिए थे, हाँ सही है। तो बच्चों ये बात हो गई अपनी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की, और मुझे पक्का भरोसा है कि इन तीन सेशन में आपने जो भी टोटल 50 के आसपास जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी होगी। स्पेशली हमने इस ट्रेंड एनालिसिस का ध्यान रखा है, लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं या फिर वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर करने की ट्राई की है, और ये भी आपको बताने का ट्राई किया है कि किस तरीके से कम टाइम में कैलकुलेशन करनी है, कैसे ऑप्शन को हो सके उतना ज्यादा एलिमिनेट करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक में कैसे ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आपको मैंने पूरा आपको अवेयर करने का ट्राई किया है। तो अगर आपको ये सीरीज ये सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अब जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों उसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये डे 39 हो गया, फिर डे 45 तक अभी भी आपके सेशन चलेंगे प्रीतम सर के, उसके बाद हम पेपर डिस्कस करेंगे, फुल सिलेबस 5 पेपर हमें डिस्कस करने हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में पेपर के साथ, जय भारत।